शॉन ऑफ जय श्री गणेश जी। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोग जा रहे भंडारदरा बहुत दिन के बाद। एक्चुअली हम लोग को काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि लंबी राइड करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था। और मैं चला रहा Z900। रोड काफी अच्छा है, पब्लिक बहुत कम है, ट्रैफिक भी बहुत कम है। और अभी बजे सुबह के 7:30, शायद 1.5-2 घंटा लग जाएगा जाने के लिए। तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं, आगे जाके पहले चाय पी लें, सिर्फ पहले भगा दे। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बाइक चला बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और बहुत दिन के बाद चला, शायद इसके लिए और ज्यादा मजा आ रहा है। शायद ये दोनों पीछे छूट गए। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक साथ ही रहेंगे। ये टोल नाके पे जब भी आता हूँ ना, डर इसी बात का लगता है यार, ट्रैफिक पुलिस पकड़ ना ले, मतलब कोई रीजन रहे ना रहे, लोग पकड़ेंगे ऐसा हमेशा मेरे साथ हुआ है। सब कुछ क्लियर होता है, कुछ ना कुछ क्लियर होता है, फिर भी बोलते हैं आई होप कि ये पकड़ ना ले। थैंक गॉड पकड़ा नहीं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं भंडारदरा बहुत दिन के बाद। हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि एक लंबी राइड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा था। तो आज मेरे साथ और दो जन हैं, सलमान भाई और रोहित। सुबह सुबह की राइड की शुरुआत करते हैं गर्म चाय के साथ। और एक्चुअली हम लोग निकलने वाले सुबह 6 बजे, बट ये भाई साहब ने लेट कर दिया। 6 बजे उठा नहीं मैं, 6 बजे नहा धो के रेडी था। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ही लेट हो गया। मैंने जैसे सुबह 6:30-7 बजे उठा, उसके बाद फटाफट नहा दे के शॉवर लेके फिर इनको मिला। और अनफॉर्चुनेटली मेरा बैटरी, कैमरे का बैटरी नहीं काम कर रहा था। 7:30-7:30 बजे निकल के भिवंडी में आके रुके, चाय पी रहे, और यहाँ से अभी सीधा रुकेंगे कसारा ना, अभी सीधा कसारा रुकेंगे। तो सलमान बाइक कौन सी चला रहे? सलमान चला रहे KTM ड्यूक 200। और रोहित चला रहा KTM एडवेंचर 390 ना। और मैं चला रहा हूँ अपनी पैरी Z900। अभी हम यहाँ पे नहीं, सीधा सारा। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, मेरे GoPro की बैटरी बार बार ड्रेन हो रही है, और मेरे पास दूसरा बैटरी है नहीं। चलो, मज़ा इतना आ रहा है, सुबह सुबह क्लाइमेट इतना अच्छा है, बट यार एक GoPro की वजह से थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, और कुछ कर नहीं सकते। आधे रोड पे तो आ चुका हूँ, और बैटरी लेने घर पे नहीं जा सकता था, थोड़ा दूर हूँ। तो थोड़ा सा चेंज आ गया है प्लान में। हम लोग जा रहे थे भंडारदरा, बट अभी हम लोग ने वो भंडारदरा कैंसिल करके हम लोग इगतपुरी जाएंगे, बिकॉज उतना दूर जा रहे हैं और कैमरा नहीं काम करेगा तो मतलब नहीं जाके, बाइक राइड करके मतलब नहीं है। हम लोग इगतपुरी जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, वहाँ से रिटर्न आएंगे, बिकॉज भंडारदरा का प्लान किया था, बट बैटरी ड्रेन हो रहा है और कुछ है ही नहीं मेरे पास दूसरा बैकअप, इसके लिए मेरे को वापस रिटर्न जाना। बैटरी बार बार ड्रेन हो रहा है, एक्चुअली नहीं हो रहा था, अचानक से वापस चालू हो गया। अच्छा, तो ये काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये झाड़ कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे संडे तो ट्रैफिक नहीं होता है। फाइनली ट्रैफिक से निकलते हुए बहुत मजा आ रहा है, वाह। सुपर। खुला आसमान और खुला रास्ता, और ये Z900। बाय बाय, जगह दो जगह दो। वाओ यार, ये बिल्डिंग में क्या व्यू मिलता होगा यार।
परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक यार, दिस बाइक इज वैल्यू फॉर मनी और हम लोगों ने लिया था ये 2018 में एंड 2 years हैज बीन कम्प्लीटेड फॉर दिस बाइक। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आज भी वही परफॉर्मेंस है जो हम लोग ने 2018 में लिया था। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग नया बाइक या नया कार लेते हैं उसके बाद 2-3 साल बाद गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना चालू होता है। लकीली फॉर्चुनेटली वो गाड़ी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम लोग सर्विसिंग भी टाइम पे करते हैं। अगर आप गाड़ी अच्छे से सर्विस करते हो, टाइम टू टाइम सर्विस करते हो, तो गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा देगी, गाड़ी में कोई काम नहीं आएगा। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस या कुछ नहीं करते हो या कोई प्रॉब्लम है आप उसको निग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, तो नहीं होगा। इसके टाइम टू टाइम सर्विस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पेट्रोल भरने का टाइम आ गया, बिकॉज गाड़ी में ज़रा भी फ्यूल नहीं है, ऑलमोस्ट रिजर्व पे आ गया है। और तो यहाँ पे पहले फ्यूल भर लेते हैं तो टेंशन नहीं आगे जाके, आगे मिले ना मिले। यहीं पे फ्यूल भरा लेते हैं, बिकॉज आगे जाके पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा पता नहीं है। और सलमान तो आगे भाग गया यार उसको मैं हाथ दिखा रहा हूँ, रुक 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 नहीं रहा। ये देखो हम लोग कहाँ आ गए, जहाँ पे हमने अपनी सैटरडे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहीं मिलू ना मिलू सैटरडे, बट यहाँ पे जरूर मिलूंगा। दिस इज स्वस्तिक ढाबा, जहाँ पे हम लोग एवरी सैटरडे या संडे कभी भी आते हैं। तो अभी हम लोग आगे पड़गा टोल नाका, भिवंडी के आगे पड़गा टोल नाका है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो एक्चुअली यहाँ पे इतना फॉग जमा हो गया है तो मुझे लिटरली मेरे हेलमेट का जो ग्लास है ऊपर करके चलाना पड़ रहा है। अभी तो कम है, आपको नहीं दिख रहा, बट थोड़ी देर पहले पीछे बहुत ज़्यादा था। मैंने बोला था कि मेरे GoPro का, एक्चुअली GoPro नहीं है, SJ 6000 समथिंग कुछ है। जो प्रॉब्लम मुझे लगा था शुरुआती टाइम पे कि वो प्रॉब्लम आगे जाके होगा, और अभी वही प्रॉब्लम हो गया। मेरे कैमरा की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, मेरे पास बैकअप के लिए दूसरा बैटरी नहीं है। तो अभी जहाँ पे मैं रुकूँगा वहाँ पे कुछ खाऊँगा और वहीं पे कैमरा चार्ज करूँगा थोड़ा बहुत, और फिर रिकॉर्ड शुरू करूँगा। तो अभी हम लोग रुके कसारा घाट, ऊपर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में लगता है मानस रिसोर्ट। तो सलमान ने सजेस्ट किया था वहाँ पे रेस्टोरेंट में फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर का शूट करेंगे, फिर निकलेंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे तो पहले हाफ फ्राई ऑमलेट है, पाव है, चिकन सॉसेजेस, बॉयल्ड एग एंड और क्या है, ऑप्शन है काफ़ी सारा, पर तुम लोगों ने बहुत कम लिया एक्चुअली इतना सब खाओगे यार, खाना खाओगे कि नहीं बाद में ₹299 में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट है, जितना हो सके उतना खाने में। सलमान इतना सॉसेजेस खाएगा
नहीं यार, मैं इसके लिए लिया था यार। लूटो लूटो, तुम लोग के वजह से ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बंद हो जाते। हाँ सर, तो आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? इतना खा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना भर भर के लोग है, ये भाई साहब का भी खत्म नहीं हो रहा। इतना भर भर के लोग है तो वही हाल है। खाओ खाओ, रखना मत। और खत्म हुआ कि नहीं? मेरा हो गया, मैं चाय पे हूँ, ये भाई साहब का अभी भी बाकी है। कम है ना, 299 में अनलिमिटेड भर भर के ले रहे लोग और नहीं जा रहा अभी। 299 में सबसे अच्छा डील था ना ये, लाइफ में सबसे अच्छा। अगले बार तो बैग लेके आऊंगा, इसमें डाल दे। तू भी बैग लेके आ, तेरे को बहुत जरूरत है। तू इतना भर भर के लिया, खा नहीं रहा। भर भर खाना कोई खाता है? क्योंकि लिया क्यों है? अब एक चाय है तो ये भाई साहब कॉफी भी पिया है, जूस भी पिया और ये चाय भी पिया। नींद बहुत आ रहा है एक्चुअली, और वापस शाम को भी कहीं पे बाहर जाना। जो राइड को जाते टाइम एनर्जी होती है, वो घर पे जाते टाइम एनर्जी नहीं होती ना, बहुत थकावट आती है। बट फिर भी हम लोग में एनर्जी है, 299 में अनलिमिटेड। सुबह जब निकला था ना, तभी बहुत एकदम एक्साइटमेंट लेवल अलग था, जैकेट विकेट पहन के एकदम शूज। अभी तो ऐसा जिप भी नहीं मिल रहा है। मैं आज घर पे जाके ऐसा सोऊंगा ना। जो मैंने लास्ट टाइम कसारा का जो सोलो राइड किया था, उसके बाद मैंने राइड नहीं किया था ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद मैं राइड कर रहा हूँ। तो राइड थोड़ा अच्छा था, थोड़ा हेक्टिक था और थोड़ा सा बोले ना एकदम फ्रस्ट्रेट भी हुआ था। बिकॉज क्या था, मेरा जो कैमरा था, कैमरा का बैटरी कंटिन्यूसली ड्रेन हो रहा था और मेरे पास बैकअप के लिए दूसरा बैटरी भी नहीं था। तो लकीली हम लोग ने कैसे वैसे समहाउ हम लोग ने मैनेज कर लिया। और भाई तुम लोग कुछ बोले कि नहीं कैमरे के साथ? भाई चिकन सॉसेज। और जो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द राइड हम लोग को यहाँ पे 299 में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट, जिसमें चिकन सॉसेजेस वगैरह बहुत कुछ था, ये भाई ने बहुत दबाया। इसके लिए हम लोग का बिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो। अगर नेक्स्ट टाइम इन्होंने बाइक राइडर्स को देख लिया तो 299 का पैकेज वो शायद 499 जाएगा। फाइनली हम लोग विक्रोली पहुँच गए और यहाँ से सलमान घर पे जाएगा और हम लोग यहाँ से राइट लेके कांगेरीस में करते हैं, वो विक्रोली बेस्ट में रहता है। नेक्स्ट सर बहुत जल्द से जल्द वो हम लोग कोशिश करेंगे और जिंदा है, अभी भी जिंदा है। चलो मिलते हैं।